बच्चों, आप लोगों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। क्यों? क्योंकि ये जो आज का विषय है, टॉपिक है, वो सबको पसंद है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, सभी को ये चीज़ पसंद रहती है। और इंसान का चाहे जैसा मूड हो, अगर ये मिल जाए तो मूड तो अच्छा हो ही जाता है, और कोई इसके लिए ना नहीं कहता है। आज के हमारी कक्षा का जो विषय है वो है उपहार, अर्थात गिफ्ट या तोहफा। अच्छा बच्चों, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने किसी को उपहार के तौर पर कोई पुस्तक या किताब दी होगी, या आपको उपहार के तौर पर पुस्तक या किताब मिली होगी? ऐसे बहुत कम होंगे। लेकिन पुस्तक या किताब को उपहार के तौर पर देना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, इसलिए पुस्तक जो है वो सबसे अच्छा गिफ्ट हो सकता है। उपहार इस पाठ में लेखक ने इसी चीज को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। रोचक ढंग से इसलिए क्योंकि लेखक ने इसमें परिकथा का उपयोग किया है। परिकथा तो सभी को पसंद होती है, परियां तो हर बच्चे की कल्पना में होती है, और दुनिया भर में ये सदियों से प्रचलित है। ये बच्चों का मनोरंजन के साथ साथ मानसिक विकास भी करती है। कई बार प्रतिकूल परिस्थिति में हम घबरा जाते हैं या उदास हो जाते हैं। ऐसी कठिन परिस्थिति में जीवन की मुश्किलों का बहादुरी, समझदारी से सामना करने का संदेश ये परिकथाएं देती हैं। ये कहानियां आगे चलकर जीवन की चुनौतियों को स्वीकार कर आत्मविश्वास और दृढ़ता से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इन कहानियों के चरित्र यानि जो पात्र होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, परंतु वे हमें मानवीयता, परोपकार, प्यार, सम्मान, बलिदान, कड़ी मेहनत जैसे नैतिक मूल्य सिखाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ उपहार। एक गांव में ऋत्विक नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत गरीब था। वह अपनी माँ व अपनी बहन के साथ रहता था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला वह होता है जहाँ पर बहुत सारी तरह की पुस्तकें का एग्जिबिट की जाती हैं, उन्हें बहुत सारे स्टॉलों में लगाया जाता है, जहाँ आकर के लोग अपनी पसंद की पुस्तकें देखते हैं, उन्हें खरीदते हैं, पढ़ते हैं। तो उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊंगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतने दूर? बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। दृष्टि अर्थात नजर, अचानक यानी सडनली। तो अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई। वहां पर उसकी नजर क्यों गई? क्योंकि वहां बहुत तेज रोशनी थी, तेज अर्थात प्रखर। वह उठकर वहां गया। वहां सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। सुनहरे पंखों वाली, सुनहरे अर्थात सोने के रंग वाली के पंख थे उसके, और वो परी वहां खड़ी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूं, लेकिन तुम यहां उदास क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ।
यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है? यह समझ लो, तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूं। ऐसा मैं तभी करूंगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। उत्तीर्ण अर्थात पास। उसने ऐसा कहा कि जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे, सफल हो जाओगे, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो ऋत्विक ने पूछा, कौन सी परीक्षा है? परी ने कहा, अगर तुमको बता दिया कि कौन सी परीक्षा है तो फिर वह परीक्षा कैसी? ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहां से चला गया। अभी वह कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। पोटली अर्थात छोटी गठरी या थैली, स्मॉल पाउच। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज होगी। कीमती अर्थात एक्सपेंसिव, मूल्यवान। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा, जब यह मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। वह खोलना चाहता था, उसको देखना चाहता था, वह एक्साइटेड था कि क्या है इस पोटली के अंदर, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर पोटली थी। लेकिन तभी वह रुक गया। उसने सोचा कि अगर पोटली उसकी नहीं है तो उसे खोलने का उसे कोई अधिकार नहीं है। हक यानि अधिकार, राइट। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली। तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? वो यह सोच ही रहा था तभी उसे अचानक सुनाई दिया, पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई और वो आवाज़ कह रही थी कि उसकी पोटली गुम गई है, क्या तुमने कहीं देखा है? ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? राहगीर ने बताया, लाल रंग की। फिर ऋत्विक ने फिर पूछा, अच्छा और कोई पहचान बताओ? पहचान अर्थात आइडेंटिफिकेशन। तो उसने कहा कि उस पोटली पर परी का सुनहरे रंग का चित्र बना हुआ है। ये सारी चीजें ऋत्विक इसलिए पूछ रहा था क्योंकि वह श्योर होना चाहता था कि वह पोटली उसी राहगीर की ही है। राहगीर अर्थात ट्रेवलर, यात्री, क्योंकि वह जिसकी चीज है वह उसी को लौटाना चाहता था, इसके लिए वह इतने सवाल पूछ रहा था। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वह पोटली बाहर निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। जब ऋत्विक श्योर हो गया कि हाँ राहगीर द्वारा बताया गया सारा डिस्क्रिप्शन सही है, तब उसने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। वह कल जो उसके साथ इंसिडेंट घटा था वह उसी के बारे में सोचने लगा। तभी तेज प्रकाश फैला और सामने परी खड़ी थी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? तो ऋत्विक ने जवाब दिया, ठीक हूँ। तभी परी ने कहा, अच्छा अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो ऋत्विक ने पूछा, किस बात का इनाम? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली, क्योंकि परी ने कहा तुम पास हो गए हो इसलिए मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया। यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। तो परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। ईमानदारी अर्थात ऑनेस्टी। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो परी ने ऋत्विक को पूरा समझाया कि कल राहगीर बनकर परी ने ही ऋत्विक की परीक्षा ली थी, उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, और जिसमें कि ऋत्विक उत्तीर्ण हो गया था, सफल हो गया था, इसीलिए परी उसे उसका इनाम दे रही थी। परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में
किसी वस्तु की कमी नहीं होती। जाओ, अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। मनचाही अर्थात मनपसंद, फेवरेट। तो उसने कहा कि ईमानदार व्यक्ति जो होता है उसके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, इसलिए हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और उसने साथ में ये भी कहा कि अब तुम्हें तुम्हारी सारी मनचाही वस्तुएं मिल जाएंगी। ऋत्विक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वह परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी माँ को दी। उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। जब माँ वह पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। चकित रह जाना मुहावरा है, अर्थात आश्चर्य करना। माँ के पूछने पर ऋत्विक ने सब कुछ बता दिया। तो माँ बहुत ही सरप्राइज, शॉक्ड हो रही थी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, उसका बेटा उसे कौन सी थैली पोटली दे रहा है और अचानक ये पोटली इतनी बड़ी कैसे हो गई। तो ऐसा जब माँ ने पूछा तो ऋत्विक ने सारी बात, परी वाली सारी स्टोरी अपनी माँ को बता दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला, जहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। तो जब पुस्तकें ऋत्विक को मिल गई तो ऋत्विक ने सारी पुस्तकें सिर्फ खुद के लिए नहीं रखी, वह पुस्तकें उसने गांव के सभी बच्चों के लिए अवेलेबल करवा दी, सबके लिए रखवा दी। उसने एक पुस्तकालय खोल दिया अपनी बहन कृतिका की सहायता से, जहाँ गाँव के सारे बच्चे आकर अपनी मनपसंद की पुस्तकें पढ़ सकते थे। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि ज्ञान ऐसी चीज होती है जो कि बांटने से बढ़ती है। और पूरा गांव उनको पुस्तक मित्र के नाम से जानने लग गया था। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। ध्येय अर्थात एम। अब उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आंख लग गई। आंख लग जाना भी मुहावरा है जिसका अर्थ होता है नींद आ जाना। तो एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही ऋत्विक सो गया। तो उसने सपना देखा और सपने में वो क्या देखता है कि पुस्तकें उससे बातें कर रही थी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। तो ऋत्विक ने कहा, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूट गई। वह यह सपना देख रहा था। पुस्तक उससे पूछ रही थी कि जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तब तो तुम हमें भूल जाओगे ना। तो ऋत्विक नींद में ही, सपने में ही कह रहा था, नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं भूल सकता, तुम ही मेरे साथी हो, फ्रेंड हो, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। तभी अचानक दरवाजे की डोरबेल की वजह से उसकी नींद टूट गई। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। आगे चलकर वह सोचा कि वह आगे चलकर एक बहुत बड़ा पुस्तक भंडार खोलेगा। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि हमें अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो ध्येय है, उसे प्राप्त करने के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। रुचि अर्थात हमारी पसंद, इंटरेस्ट, और लगन अर्थात एकाग्रता, डेडिकेशन आवश्यक है। जिस प्रकार ऋत्विक ने अपनी, जो उसकी ध्येय था जीवन का, पुस्तकों से उसे बहुत प्यार था, वह जब माँ ने उसे पुस्तक मेला में नहीं जाने दिया तब भी वह हार नहीं मानी। उसने अपनी लगन और एकाग्रता से, अपनी पसंद से उस चीज़ को उसने हासिल किया। इस तरह, इसलिए हमारे जीवन का जो ध्येय होता है उसे हमें हमेशा हासिल करना चाहिए, उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। अब आइए इस पर आधारित थोड़े प्रश्नोत्तर देख लेते हैं।